नमस्कार बिहार। सबसे पहले हम श्रीमान तेजस्वी यादव जी को बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने ये माना कि जो विकास की पुलिया है वो आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व का देन है। दूसरी बात, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि जो भी सोशल साइट्स है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये बहुत अच्छा माध्यम है लोगों से जुड़े रहने का, अपने विचार का आदान प्रदान करने का और समाचार संकलन का भी। लेकिन जब आप गृह जिला का भी बात हो और आप वहाँ भी फेल हो जाए, आप सरकार के भी पार्ट हैं, नेता विपक्ष हैं, आप स्वघोषित एक पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, आप चाहें तो सरकार के किसी अंग से या आप चाहें तो पार्टी के किसी कार्यकर्ता से चीजों को स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी तो मंशा है भ्रम फैलाना, किसी प्रकार से सरकार को गलत साबित करते हुए आप अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। आप किसी को गलत कहकर के खुद को सही नहीं साबित कर सकते। आप जिस पुल का बात कर रहे हैं कि वो 263.73 करोड़ में बना है, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। दूसरी बात, जो वीडियो आपने डाला है वो पुलिया भी सुरक्षित है। कभी मॉल उल जमीन उमीन से जब फुर्सत मिल जाए तो इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी गांव में, कभी आरी कियारी पर जाइए, विकास का जो लेवल उसको देखिए, समझिए। जो पुल पुलिया निर्माण होता है वो अमूमन सड़क से थोड़ी ऊंचाई पर होता है और उसको संपर्क करने के लिए बाहर से मिट्टी ला करके उसको बनाया जाता है, जो कि अभी आपने एक वीडियो डाला है वही संपर्क पथ कटा है, वो भी कोई प्रशासनिक चूक या मानवीय भूल के कारण नहीं, प्राकृतिक आपदा है हुजूर। गंडक नदी का जो पानी, उसका दबाव बढ़ गया है और वो दबाव बढ़ने के कारण वो संपर्क पथ बह गया है। और चिंता मत कीजिए, जब तक आप दूसरा वीडियो खोजिएगा वो किसी राज्य का या किसी और देश का बिहार के नाम से चल रहा होगा, वो खोजिए तब तक वो निर्माण भी करा लिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। यह आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार है, वो आम जनता के लिए काम करती है। प्राकृतिक आपदा का समय है, वैश्विक महामारी से पूरा देश लड़ रहा है, हमारा राज्य भी लड़ रहा है, कि ऐसी स्थिति में आप इस प्रकार का भ्रम फैला कर क्या साबित करना चाहते हैं। लेकिन आपसे भी आग्रह करेंगे कि कोई व्हाट्सएप फेसबुक पर कोई चीजें आए तो थोड़ा फोन करके लोगों से इसकी स्थिति स्पष्ट कर लें। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन आपका जो ये तरीका बनते जा रहा है कि हंसुआ के बिया में कुर्ता के गीत गा देते हैं, ये सबसे थोड़ा बचे हुजूर। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहारी।